ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कौन सी परिपाटी आपने चला दिया? और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी भागलपुर, निशिकांत दुबे का जो घर है वहाँ का जो पथ है उस पथ का नाम हेमंत सोरेन होगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और क्या कर सकते हैं आप इन लोगों के बारे में, और क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सारी गरिमा को तार तार कर दिया निशिकांत दुबे, इसका मानसिक दिवालियापन हम ठीक करने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को ट्रेन चाहिए, आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ गुड्डा के लोगों को ट्रेन मिला है। अब ट्रेन हमने चलने देंगे ऐसे कैसे जाएगा भागलपुर? अरे जिसको जबरदस्ती कोई ट्रेन पे थोड़े बैठा, ये भाजपा के लोग घूमने के लिए है ट्रेन, समझिए। अब देखिए गोड्डा से जो ट्रेन चल रही है 19 घंटे में रांची पहुंचेगी, ये मजाक नहीं तो क्या है लोगों के लिए? आप कौन सा ट्रेन, ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए हमें, लोगों को चाहिए राहत चाहिए। लोग चाहता है कि गोड्डा से रांची हम पहुंचे 6 घंटे में, अब 19 घंटे में पहुंचेगा क्या? ये कौन सा तरीका है बताइए? केवल भागलपुर जाने के लिए ट्रेन दिया है यह व्यक्ति। जिसको लगता है कि हमको रांची इस रास्ते से जाएंगे सस्ता पड़ेगा वो जाएगा। गरीब आदमी के लिए रांची पहुंचना जरूरी है, गरीब आदमी के लिए जमुई पहुंचना जरूरी है, गरीब आदमी के लिए फ्यूल पहुंचना जरूरी है, सुल्तानगंज पहुंचना जरूरी है। आपके पास क्या साधन था? लेकिन आप कहते हैं कि ट्रेन नहीं चलने देंगे। इतना लंबा ट्रेन क्यों चल रहा है? लंबा ट्रेन चल रहा है, छोटा आप ही छोटा ट्रेन चला दीजिए, यदि बहुत कुवत है आप में। केवल बाबूलाल जी के लिए और निशिकांत के लिए वो ट्रेन खुला है। भाजपा लोग जाइए घूम के आइए। अरे भाई यहाँ दीजिए, गरीब का पेट में भूख में मर रहा है और आप कह रहे हैं गोवा घुमा के ला रहे हैं, ऐसा कहीं होता है? ये संसदीय गरिमा को नहीं जानते हैं, इसका मैं निंदा करता हूँ। और मैंने अभी DC से मैं मिलकर आया हूँ, और जो स्कूटी को मैंने बहुत लथाड़ लगाई है, मैंने कहा कि वो शिलान्यास तोड़िए, वो शिलापट को तोड़ा जाए, और जो लोग वहाँ गए थे उस पर FIR किया जाए। ये मैं अभी DC को मैं कह के आया हूँ, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कौन सी परिपाटी आपने चला दिया? और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी भागलपुर, निशिकांत दुबे का जो घर है वहाँ का जो पथ है उस पथ का नाम हेमंत सोरेन होगा। मैं करके आया हूँ, मैं करके आ रहा हूँ, वही घूमे ना घूमे, हम उस निशिकांत को बिठाएंगे गोवा घुमाएंगे। केवल बाबूलाल जी के लिए और निशिकांत के लिए वो ट्रेन खुला है। भाजपा लोग जाइए घूम के आइए। अरे भाई यहाँ दीजिए, गरीब का पेट में भूख में मर रहा है और आप कह रहे हैं गोवा घुमा के ला रहे हैं, ऐसा कहीं होता है? एक महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल चरम पर है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा। ट्रेन दे रहे हैं ये नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूँ जो ट्रेन ये DRM और GM रेलवे का, इस पर मैं FIR करने जा रहा हूँ, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। और निशिकांत को क्या रेलवे इंक्वायरी का कॉन्ट्रेक्टर है, ये है क्या है कंडक्टर है क्या? सांसद सर क्या मनमानी की है, ट्रेन तो लोगों के लिए दिए हैं। गोवा जाएगा मेरे लोग, बताइए, ये भाजपा के लोग घूमने के लिए है ट्रेन, समझ गए? आप देखिए गोड्डा से जो ट्रेन चल रही है 19 घंटे में रांची पहुंचेगी, ये मजाक नहीं तो क्या है लोगों के लिए? आप कौन सा ट्रेन, ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए हमें, लोगों को चाहिए राहत चाहिए। लोग चाहता है कि गोड्डा से रांची हम पहुंचे 6 घंटे में, अब 19 घंटे में पहुंचेगा क्या? ये कौन सा तरीका है बताइए? केवल भागलपुर जाने के लिए ट्रेन दिया है यह व्यक्ति, ये नहीं चलने देंगे। वापसी वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, विकास के लिए लड़ाई किसी पार्टी ने नहीं। देखिए, ये सारी गरिमा को तार तार कर दिया निशिकांत दुबे, इसका मानसिक दिवालियापन हम ठीक करने जा रहे हैं। इसको कोई जानकारी नहीं है, केवल छल कपट बाहरी व्यक्ति है। सुन लीजिए, ये झारखंडी नहीं है और झारखंड के सेंटीमेंट के साथ ये खेल रहा है। अब आप बताइए, भागलपुर का लोग यहाँ सांसद बन बैठा है तो दादागिरी कर रहा है ये? रेलवे विभाग समझ नहीं पा रहा है, रेलवे विभाग को लगता है कि पगड़ी में लेके चल रहा है ये, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, और क्या कर सकते हैं आप इन लोगों के बारे में, और क्या कर सकते हैं? यहाँ के लोगों को ट्रेन चाहिए, आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ गुड्डा के लोगों को ट्रेन मिला है। अब ट्रेन हमने चलने देंगे ऐसे कैसे जाएगा भागलपुर? अरे जिसको जबरदस्ती कोई ट्रेन पे थोड़े बैठा, जिसको लगता है कि हमको रांची इस रास्ते से जाएंगे सस्ता पड़ेगा वो जाएगा। गरीब आदमी के लिए रांची पहुंचना जरूरी है, गरीब आदमी के लिए जमुई पहुंचना जरूरी है, गरीब आदमी के लिए फ्यूल पहुंचना जरूरी है, सुल्तानगंज पहुंचना जरूरी है। आपके पास क्या साधन था? लेकिन आप कहते हैं कि ट्रेन नहीं चलने देंगे। इतना लंबा ट्रेन क्यों चल रहा है? लंबा ट्रेन चल रहा है, छोटा आप ही छोटा ट्रेन चला दीजिए, यदि बहुत कुवत है आप में। सवाल यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद माननीय मोदी जी ने ये ट्रेन दिया है, उनके सेवा समर्पण अभियान के तहत रेल मंत्रालय ने यहाँ से ट्रेन चालू किया, जो भी मिला है उसकी खुशी मनानी चाहिए, उसकी बधाई देनी चाहिए। और सवाल यह है कि यहाँ तक गोड्डा स्टेशन का सवाल है या गोड्डा का सवाल है? गोड्डा का सांसद मैं हूँ, गोड्डा के विधायक माननीय अमित मंडल जी, और जब तक डबल इंजन की सरकार रहती है
अच्छा काम होता है और हम दोनों के प्रयास से अच्छा काम होगा। दूरी यकीनन ज्यादा है सर, तो क्या दुमका इंटरसिटी को यहाँ नजदीक लाने की कोई बात? आपको कह दिया ना कि क्या मैं सुनील सोरेन जी को चुनाव हरवा दूं? दुमका उपराजधानी आज तक केवल रांची को छोड़कर वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं चालू है। एक गोड्डा अभी छः महीना भी नहीं हुआ है, 3-4 महीना हुआ है, और 4 महीने में यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन है, यहाँ से रांची के लिए ट्रेन है, यहाँ से कनेक्टिविटी है कि आप कवि गुरु एक्सप्रेस कैसे पकड़िएगा, यहाँ से कनेक्टिविटी है कि आप देवघर और दुमका कैसे जाइएगा। 6-6, 7-7 ट्रेन जो है इस गोड्डा में मिल गया। आप देखें हैं कभी कि साहबगंज में इतनी ट्रेनें हैं? साहबगंज जो है 150-2 साल से स्टेशन है। आपने देखा है बांका में दिग्विजय वाव रेल मंत्री थे, बांका में कोई ट्रेन है? वो भी एक ट्रेन वहाँ से जाती है। हजारीबाग इतने वर्षों में यशवंत सिन्हा जी ने चालू किया, वहाँ से कोई ट्रेन है? तो सवाल ये है कि गोड्डा को यदि कुछ मिल रहा है तो किसी का खींच के लेके आ जाइए। सर थोड़ा सा इसको समझा दिया जाए कि अगर दुमका से जो ट्रेन है यहाँ से चलेगी तो सुनील सोरेन चुनाव कैसे हार जाएंगे? एक ही ट्रेन चलती है, लोगों को लगेगा कि निशिकांत दुबे खींच के लेके चले गए, दूसरी ट्रेन तो दुमका से चालू नहीं है ना, मुख्यमंत्री है वहाँ से शिबू।